वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम बात करने वाले हैं लिंडा नाम की लड़की के बारे में, जिसे जब भी गुस्सा आता है तो उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों नॉर्मल इंसानों से ज्यादा हो जाती है, और कैसे कुछ लोग उसके गुस्से का फायदा उठाकर उसे ह्यूमन वेपन बना देते हैं जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती। तो चलिए अब मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है और बैकग्राउंड में साउंड आता है जहाँ पर लिंडा के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे गुस्से आने पर अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देती है और उसका उसके गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके पेरेंट्स भी अब उसकी इन हरकतों के वजह से तंग आ चुके हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं जो उन्हें लिंडा पर टेस्ट करने की सलाह देते हैं, लेकिन जब वहाँ पर उसे एडमिट किया जाता है तो वहाँ उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना इसके गुस्से को कहीं सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। तो वो लोग उसे आर्मी में भेजने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती तो उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। फिर उसे अचानक एक डॉक्टर मिलता है जो उसके इस गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए उसे एक डिवाइस बना कर देता है, जिससे जब भी उसे गुस्सा आए तो वो अपने आप को शॉक लगाकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। अब लिंडा बड़ी हो चुकी है और वो एक रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ वो एक जस्टिन नाम के आदमी से मिलने आई है, एक्चुअली वो एक डेट है। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर उसे एक आदमी दिखता है जो वहाँ के स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात करता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसके माइंड में ऐसे अटैक आते हैं कि वो उसे जाकर बहुत मारे। लेकिन वो अपने उस डिवाइस को यूज़ करती है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है, और लोगों को मारने का विजन वो सिर्फ अपने दिमाग में देखती है। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब लिंडा अंदर आकर जस्टिन से मिलती है, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन जस्टिन उसे जैसे जैसे बातों में मना ही लेता है। लिंडा को उसके डॉक्टर ने कहा था कि उसे लोगों से मिलना चाहिए, इससे उसके गुस्से पर कंट्रोल करने में उसकी हेल्प होगी। अब वो फाइनली वहाँ बैठने का डिसाइड करती है, लेकिन एक वेटर्स वहाँ आती है जो बातों बातों में जस्टिन का मजाक उड़ाने लगती है, जो लिंडा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एक नाइफ उठाती है और उसे स्टैप करने ही वाली थी, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है और अपने डिवाइस से अपने आप को शॉक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गुस्सा शांत होता ही नहीं है तो वो वॉशरूम में चली जाती है। अब वो उस डिवाइस को यूज़ करती है लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। अब वो फाइनली वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसे उस वेटर्स की आवाज़ आती है जो कि उसी वॉशरूम में थी, और वो फ़ोन पर किसी को बता रही थी कि उसके रेस्टोरेंट में आज कोई बेवकूफ़ कस्टमर आया है, जिसे सुनकर लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो बिना गुस्सा कंट्रोल किए उसकी खूब धुलाई करती है। उस वेटर्स की पिटाई करने के बाद वो बिना जस्टिन को बाय बोले वहाँ से निकल जाती है, और जस्टिन उसका वहीं इंतज़ार करता रहता है। अब वो सीधा अपने घर चली जाती है, और यहाँ पर हमें पहली बार उसकी बॉडी पर वो डिवाइस दिखता है जिससे उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। अब अगले दिन सुबह वो एक घर में जाती है और हमें पता चलता है ये घर उसके डॉक्टर का है जहाँ से वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। अब वो उसे जाकर बताती है कि ये डिवाइस काम नहीं कर रहा, जिस पर उसका डॉक्टर कहता है कि पहले तुम बैठ जाओ और अपने हाथ में हथकड़ी लगा लो, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि लिंडा को कभी भी पैनिक अटैक आ जाता है और वो किसी को भी मार सकती है। अब वो डॉक्टर उस डिवाइस को ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान वो पेन से टेबल पर टक टक करता है जिससे लिंडा को गुस्सा आने लगता है और उसे फिर से पैनिक अटैक आता है, और वो विजन देखती है कि उसने डॉक्टर को मार दिया है, लेकिन ये सब सिर्फ उसका विजन था। अब उसने वो डिवाइस ठीक कर दिया था, उसी के शॉक की हेल्प से उसने उसका गुस्सा शांत किया था, और वो उसे बताता है कि उसने उसकी वोल्टेज बढ़ा दी है, जिस पर लिंडा कहती है कि तुम इसे ज़्यादा कर दो, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ह्यूमन बॉडी ज़्यादा नहीं संभाल सकती। अब वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें दोस्त बनाने की ज़रूरत है, जिस पर लिंडा कहती है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन एक वेटर्स ने मुझे गुस्सा दिला दिया और मैंने उसकी खूब धुलाई कर दी। डॉक्टर उसे कहता है कि ये डिवाइस तुम्हारा इलाज नहीं है, जब तक तुम लोगों के साथ खुलना मिलना शुरू नहीं करोगी तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, और लिंडा उसकी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। अब वापस आते वक्त उसे कुछ साइंस दिखते हैं और उसके साथ बैठा एक लड़का उसे इरिटेट करता है, जिससे उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं, और वो डिसाइड करती है जस्टिन से दोबारा मिलने का। अब वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। जस्टिन उसे बताता है कि वो एक अकाउंटेंट है, जिस पर लिंडा उसे बताती है कि वो एक बाउंसर है, जिस पर जस्टिन कहता है कि बाउंसर कैसे हो सकती हो तुम। लिंडा उसे कहती है कि वो पहले बाउंसर थी लेकिन अब वो अपना करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहती है। अब वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम था जब लिंडा को जस्टिन की किसी बात से भी गुस्सा नहीं आ रहा था, तो उसे काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन सुबह जस्टिन लिंडा के लिए कैमरा लेके आया था जो उसे वो एज अ गिफ्ट देता है, जिसे देखकर लिंडा खुश हो जाती है। अब वो उसे कहता है कि हम शाम को दोबारा मिलेंगे, और वो उसे ये भी बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी अपने घर से बाहर आती है और सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे देखकर डर जाता है, वो अपनी गन निकाल लेता है। लिंडा उसे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तो बस ये बताने आई हूँ कि जो तुमने मुझे कहा था मैंने वो किया, और कल मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, तुमने मुझे ठीक कर दिया, अब मुझे इस डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, और वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है।
अब वो रात को जस्टिन से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन जस्टिन ना उसका फ़ोन उठाता है ना ही मैसेज का रिप्लाई करता है। अब काफ़ी लेट होने के बाद सडनली उसको कॉल आता है, जो उसे एक पुलिस ऑफिसर ने किया होता है, जो उसे बताता है कि ये फ़ोन हमें एक डेड बॉडी के पास से मिला है जिसके सर में 2 गोलियां लगी थी। और ये सुनकर लिंडा शॉक हो जाती है। अब वो लोग लिंडा से पूछते हैं कि वो कब से जस्टिन को जानती है, जिस पर लिंडा बताती है कि वो अभी तक सिर्फ 2 बार मिले थे, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। वो उन्हें बताती है कि उसका सिर्फ एक ही क्लाइंट था, लेकिन वो उसका नाम भी नहीं जानती थी। अब इतना सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसी ने जस्टिन को मारा है, जिस पर लिंडा कहती है कि मुझे जस्टिन को मारकर क्या फ़ायदा होगा। और मेल ऑफिसर उसे टच करता है, जिस पर लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो विजन देखती है कि उसने उन दोनों ऑफिसर्स को मार दिया। लेकिन वो उस डिवाइस की हेल्प से खुद को शांत करती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ऑफिसर्स बात करते हैं कि शायद इसी ने उसे मारा होगा, लेकिन मेल ऑफिसर उसका सपोर्ट करता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। लिंडा अब उस बॉडी का फ्यूनरल करवाती है। अब वो घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन उसकी डेथ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रात को ही अपने डॉक्टर के पास चली जाती है। अब वो उस डॉक्टर पर भी अटैक करती है और उस डिवाइस की हेल्प से भी वो शांत नहीं हो पा रही थी, तो डॉक्टर उसे जैसे तैसे कंट्रोल करता है और उसे एक नींद का इंजेक्शन देता है। अब जब उसे होश आता है तो डॉक्टर से कहती है कि इस डिवाइस को ठीक करो, ये फिर से ख़राब हो गया है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि डिवाइस बिल्कुल ठीक है। तो लिंडा कहती है कि शायद मुझे उस आदमी को मारना ही पड़ेगा जिसने जस्टिन को मारा है, वरना मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। जिसे सुनकर डॉक्टर उसकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन वो डॉक्टर को कहकर चली जाती है कि वो उसे मार कर ही रहेगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो उसी डिटेक्टिव को कॉल करती है और उसे बात करने के बहाने अपने घर बुलाती है। लेकिन डिटेक्टिव अपने पार्टनर को लेकर जब वहाँ से निकल जाता है तो पीछे से लिंडा उनके ऑफिस में आती है और जस्टिन की बॉडी से मिले हुए सामान को चेक करती है, और उसे वहाँ उसका फ़ोन मिलता है जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो सीधा जस्टिन के घर पहुँचती है, जहाँ उसके घर में काफ़ी महंगी चीज़ें रखी हुई थी। वहीं पर उसे एक कार की चाबी मिलती है। अब तभी उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुमने जो भी सामान हमारे ऑफिस से लिया है वो वापस कर दो, वरना तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो चाहता है कि लिंडा को कुछ ना हो, इसलिए वो उसे बता देता है कि उसकी पार्टनर उसे वहाँ पकड़ने के लिए आ रही है। अब लिंडा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक डिटेक्टिव की पार्टनर वहाँ आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर रोक लेती है। लेकिन लिंडा उसे जैसे तैसे चकमा देकर निकल जाती है। अब वो पार्किंग में आकर देखती है, जहाँ पर उसे जस्टिन की कार मिलती है। जस्टिन की गाड़ी लेकर लिंडा वहाँ से निकल जाती है और डिटेक्टिव और उसके पार्टनर उसका पीछा करते हैं। अब उसके पीछा करने के दौरान डिटेक्टिव का एक्सीडेंट हो जाता है और लिंडा वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंडा एक मॉल के बाहर पहुँची है। अब उस मॉल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे स्टाफ से वो पूछती है, यहाँ कोई टेक्निकल चीज़ों का एक्सपर्ट है, मुझे एक फ़ोन है जिसकी डिटेल्स निकलवानी है। तब वो लोग उसे एंडी को सजेस्ट करते हैं। एंडी एक छोटी लड़की होती है जो कि एक बहुत बड़ी हैकर है। अब उस फ़ोन को देखकर वो बताती है कि इस फ़ोन पर जो लास्ट कॉल आया था वो किसी खंडर पड़ी बिल्डिंग से आया था, जो कि किसी बैरी नाम के आदमी का था। अब वो उसे बताती है कि बैरी एक आर्म्स डीलर है जो इल्लीगल तरीके से हथियार और ड्रग्स बेचता है, जिसे सुनकर लिंडा शॉक हो जाती है, क्योंकि जस्टिन तो एक अकाउंटेंट था, उसके पास ऐसे लोगों का नंबर कहाँ से आया। अब वो एंडी से उसकी फीस पूछती है, लेकिन एंडी कहती है तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जाते वक्त जस्टिन की कार की चाबियों से देकर चली जाती है। वहां से वो सीधा बैरी की उसी बिल्डिंग में जाती है जहां से जस्टिन को कॉल आए थे। अब वहां जाकर वो देखती है कुछ फाइटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर बीच में बैरी उसे बैठा हुआ दिखता है, तो वो सडनली सबके सामने आती है और बैरी से पूछती है कि तुमने जस्टिन को क्यों मारा, जिस पर बैरी कहता है कि कौन जस्टिन, और एज यूजुअल जैसे कि वो बता ही देगा। जिस पर लिंडा उसके सामने शर्त रखती है, अगर वो उसके 3 फाइटर्स को हरा देगी तो बैरी को सब कुछ बताना पड़ेगा। जिस पर बैरी कहता है कि सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन तुम्हें मेरे 3 फाइटर्स से एक साथ लड़ना होगा। जिस पर लिंडा स्माइल करती है और कहती है कि उसे उन 3 से एक साथ लड़ने में ज्यादा मजा आएगा। अब वो एक ही पंच में उसके एक फाइटर को नॉकआउट कर देती है और बाकी फाइटर्स की भी बहुत अच्छी पिटाई करती है। अब ये सब देखकर बैरी उसे रोकता है और उसे सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। अब बैरी लिंडा को अपने साथ अपनी गाड़ी में कहीं ले जाता है और वो उसे सब कुछ बताने के बहाने उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसी के ड्राइवर को मारकर उसे बांध देती है। अब लिंडा उससे सब कुछ पूछती है, लेकिन वो बताता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुद फाइजर नाम के एक आदमी के लिए काम करता हूँ। इतना सुनकर लिंडा उसे वहीं मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ वो डिटेक्टिव एडमिट था और उसकी पार्टनर उसे लिंडा के बारे में बताती है कि लिंडा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो फाइटिंग स्टाइल भी जानती है, और कई बार मारधार करने की वजह से उसे जेल में भी बंद किया जा चुका है। अब वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जस्टिन को लिंडा ने नहीं मारा? इस पर डिटेक्टिव कहता है कि मुझे लिंडा पर भरोसा है, उसने ऐसा नहीं किया होगा। अब वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है।
अब उसके वहाँ से जाते ही लिंडा वहाँ पर आती है और वो उससे उसके एक्सीडेंट के लिए सॉरी बोलती है। और अब वो उससे बताती है कि मैंने पता लगा लिया है कि जस्टिन को किसने मारा। उसका नाम फाइजर है, क्या तुमने ये नाम सुना है, तुम इसे जानते हो? जिस पर डिटेक्टिव बताता है कि फाइजर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो इंटरनेशनली भी बैन है और पुलिस, गवर्नमेंट, CIA उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, तो तुम उससे पंगा लेने के बारे में मत सोचना। लेकिन लिंडा उसे बताती है कि जब तक मैं फाइजर को नहीं मारूंगी मैं शांत नहीं रह सकती। और डिटेक्टिव उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लिंडा कहती है कि तुम मुझे अभी नहीं रोक सकते। और तभी उसके पीछे डिटेक्टिव की पार्टनर आ जाती है, लेकिन लिंडा उसे चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाती है। अब वो सीधा एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है और हमें पता चलता है यहाँ पर फाइजर रहता है। अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है यहाँ कोई फाइजर नहीं है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी आता है जो लिंडा को अपने साथ ले जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे फाइजर से मिलवा देगा। लेकिन जैसे ही वो लोग लिफ्ट में पहुंचते हैं तो वो लिंडा को बेहोश कर देता है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उसे कहती है कि तुम जरूर सिक्योरिटी से होगे वरना तुम मुझे बेहोश नहीं कर पाते। अब उस आदमी ने लिंडा को चेयर से बांधा हुआ था और उसने उसकी वो शॉक वाली मशीन भी उसकी बॉडी से हटा दी थी। लेकिन वो उससे पूछता है कि ये क्या चीज़ है, जिस पर लिंडा कहती है मुझे उसकी ज़रूरत है। अब वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम जिंदा यहाँ से जा सकती हो लेकिन ये मशीन तुम्हें नहीं मिलेगी। लिंडा मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चुपचाप जाना ही बेहतर समझती है। लेकिन गाड़ी में बैठने पर उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो अपने डिवाइस को ढूंढने लगती है। और दूसरी तरफ हमें वही सिक्योरिटी वाला आदमी दिखाई देता है जो बिल्डिंग में किसी सीक्रेट रास्ते से एक जगह पर जा रहा होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फाइजर एक्चुअल में एक बूढ़ा इंसान है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर अभी एक लड़की आई थी जो किसी जस्टिन के बारे में पूछ रही थी। अब वो सिक्योरिटी वाला आदमी फाइजर को बताता है कि मैं नहीं जानता था वो लड़की किसके लिए काम करती है, इसलिए मैंने उसे यहाँ से जिंदा भेज दिया। लेकिन फाइजर उससे कहता है कि मुझे ऐसे फालतू की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो तुम उसे ख़त्म कर दो। और दूसरी तरफ लिंडा उस ड्राइवर को मार कर उस गाड़ी से भाग जाती है। अब वो वहाँ से सीधा डॉक्टर के घर पर पहुँचती है। अब डॉक्टर अचानक से वहाँ देख कर अपने टेबल में अपनी गन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो गन लिंडा के पास थी। अब वो उसे फाइजर के साथ हुए सारे किस्से को बताती है और ये भी बताती है कि उन लोगों ने उसका डिवाइस छीन लिया है, तो उसे एक नया डिवाइस चाहिए। जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं वो डिवाइस तुम्हें तभी बना कर दूंगा अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी इंसान को नहीं मारोगे। लेकिन लिंडा उसे बताती है कि मैं किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मारूंगी। इतना सुनकर डॉक्टर उसके लिए डिवाइस बनाने को तैयार हो जाता है। अब डिवाइस लेने के बाद वो अपने घर पर आकर देखती है जहां पर उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो अपने घर की पीछे वाली खिड़की से रूम में एंट्री करती है जहाँ पर वो देखती है फ्लोर पर एक बॉम्ब रखा हुआ है जो कि दरवाजे से कनेक्ट था, यानी कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। अब वो उस बॉम्ब को अपने बैग में डालती है और अपने घर की गैस ऑन करती है, माइक्रोवेव सेट कर वहाँ से निकल जाती है। अब वो बाहर आकर सीधा उसी डिटेक्टिव की गाड़ी में बैठती है। अब डिटेक्टिव उसके घर पर नज़र रखे हुए था। अब लिंडा उसे बताती है कि फाइजर के आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी लिंडा के घर में एक ब्लास्ट होता है और वो कहती है कि अब फाइजर के आदमी मुझे नहीं ढूंढेंगे। और डिटेक्टिव गाड़ी से निकलकर उस ब्लास्ट को देखने लगता है और जैसे ही वो वापस गाड़ी में देखता है तो लिंडा वहाँ पर नहीं थी। अब लिंडा फिर से फाइजर की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है और इस बार वो चोरी से ऊपर चढ़ती है, लेकिन इस बार भी सिक्योरिटी का ऑफिसर उसे पकड़ ही लेता है। अब वो सीधा उसे फाइजर के पास लेके जाता है। अब फाइजर उससे पूछता है कि तुम उससे मिलना क्यों चाहती थी, जिस पर लिंडा बताती है कि मैं जानना चाहती हूँ तुमने जस्टिन को क्यों मारा, वो तो तुम्हारा अकाउंटेंट था ना। अब फाइजर कहता है कि मेरा काम ही ऐसा है जिसमें लोगों को मारना ही पड़ता है और अब मैंने कितने आदमियों को मारा और कब मारा ये तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता, हो सकता है जिसकी तुम बात कर रही हो उसे मैंने ही मारा हो और मुझे जस्टिन के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो अपने सिक्योरिटी वाले गार्ड को इशारा करता है कि वो लिंडा को ले जाकर मार दे। अब वो आदमी दोबारा से लिंडा को बेहोश करके उसी वाइट रूम में ले जाता है और चेयर से बांध देता है। होश आने के बाद लिंडा उससे पूछती है कि तुमने जस्टिन को मारा था, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे याद नहीं और शायद मैंने उसे नहीं मारा। अब वो एक मशीन चालू कर देता है जिससे लिंडा के पूरे शरीर का ब्लड बाहर आने लगता है। अब दोबारा से लिंडा को पैनिक अटैक आता है और उसमें वो अपने हाथों को चेयर से फ्री कर लेती है और उस आदमी पर अटैक करती है, लेकिन वो आदमी भी स्ट्रांग था। इन दोनों की यहाँ पर जमकर फाइट होती है, लेकिन फाइनली लिंडा जीती जाती है और वो उससे फाइजर के बारे में पूछती है कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। अब वो उस आदमी को मारकर फाइजर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसे और भी गार्ड्स मिलते हैं। अब यहाँ पर उसका फुल एक्शन सीन दिखाया जाता है। अब वो सबको नॉकआउट करके फाइजर के पास पहुँचती है, लेकिन वो देखती है कि फाइजर को ऑलरेडी किसी ने मार दिया है। और तभी साइड से एक आदमी बाहर आता है जो और कोई नहीं जस्टिन था, जिसे देखकर लिंडा खुश हो जाती है। लेकिन वो उससे पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम्हारी बॉडी को तो मैंने खुद दफनाया था। जिस पर जस्टिन उसे बताता है कि वो सब एक सेटअप था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए इस हद तक चली जाओगे कि फाइजर को यहाँ पर मारने आओगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने ही नहीं मारा इसे मैंने ही मार दिया,
जिस पर लिंडा पूछती है, लेकिन आखिर तुम हो कौन और तुमने फाइजर को क्यों मारा। जस्टिन उसे बताता है कि वो CIA के लिए काम करता है और वो लोग कब से फाइजर को मारना चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से हम डायरेक्टली फाइजर को नहीं मार पा रहे थे, तो मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो फाइजर का ध्यान मुझ पर से हटा सके और तुम इस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। जिस पर लिंडा पूछती है कि लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना इस चीज के लिए, जिस पर जस्टिन उसे बताता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने ही हमें तुम्हारे बारे में बताया था और हम ही उसे उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसा देते हैं। अब जस्टिन उसे बताता है कि तुम्हारे डॉक्टर का बार बार तुम्हें कहना कि तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए और तुम अचानक से मुझसे डेट पर मिलने आई, तो ये सब एक सेटअप था और तुम्हारे डॉक्टर ने ही हमें बताया था कि तुम्हारे गुस्से को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है, तुमने खुद ही फाइजर को मारने में मेरी हेल्प कर दी। अब इतना सुनकर लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जस्टिन उसे उसी के डिवाइस की मदद से स्टॉप कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि तुम बस एक वेपन हो जिसे कोई भी इजीली कंट्रोल कर सकता है, वो भी इस डिवाइस की मदद से। अब इतना होने के बाद लिंडा का गुस्सा और बढ़ जाता है और अब उसका डिवाइस भी उसका कंट्रोल नहीं कर पाता। अब लिंडा उसकी तरफ एक बैग फेंकती है और वहां से भागने लगती है। अब जैसे ही जस्टिन उस बैग को खोल के देखता है तो उसके अंदर वही बॉम्ब था जो उसके घर पे फाइजर के आदमियों ने लगाया था। अब लिंडा जैसे ही उस रूम से बाहर निकलती है तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और जस्टिन वहीं पर मर जाता है। वहां से आने के बाद लिंडा सीधा उस डॉक्टर के पास जाती है जहां वो उसके ड्रॉज से वो गन निकालती है, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही वो गन वहां से हटा देती है और वो लिंडा पर उस गन को पॉइंट करके उससे बात करने की कोशिश करता है कि देखो तुम गुस्सा मत करो, जिस पर लिंडा कहती है कि तुमने मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ उससे गलती हुई है, जस्टिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने खुद को नोटिस किया तुम्हारे गुस्से को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम दोनों एक साथ आ जाएं तो हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन लिंडा को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और वो उसे दीवार के सहारे लगाकर हथकड़ियां लगा ही रही होती है और पीछे से डिटेक्टिव आता है जिसे लगता है कि शायद लिंडा उसे मारने वाली है, तो वो उसके पैर पर शूट कर देता है। अब लिंडा उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी इडियट। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां लिंडा को एडमिट किया गया है। अब डिटेक्टिव और उसके पार्टनर दोनों लिंडा से मिलने आते हैं। अब वो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर से मर्डर के चार्जेस हटा दिए हैं और तुमने जो भी छोटे मोटे जुर्म किए हैं उनको भी हम तुम्हारा सेल्फ डिफेंस बताकर तुम्हें बचा लेंगे, जिस पर लिंडा कहती है कि थैंक यू, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम मेरी इतनी मदद करोगी, यानी कि अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जिस पर उसकी पार्टनर कहती है कि मैं अभी भी वो एक्सीडेंट वाला सीन नहीं भूली हूं, जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब लिंडा वापस अपने घर जाती है जहां वो देखती है कि ब्लास्ट के बाद सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। अब वो घर को देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक लाल बालों वाली औरत घर के अंदर आती है जो लिंडा को बोलती है कि मुबारक हो तुमने अच्छा काम किया, जिस पर लिंडा कहती है अब तुम कौन हो। लेकिन उसके बालों को देखकर उसे कुछ विजन से याद आने लगते हैं, ये तो वही लेडीज थी जिसने बचपन में लिंडा पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब वो उसे बताती है कि तुम हमारे साथ काम कर सकती हो, लेकिन लिंडा उन्हें मना करती है। अब फिर वो उसे बताती है कि जस्टिन को भी हमने ही तुम्हारे पास भेजा था और वो डॉक्टर भी हमारा ही आदमी था और जो भी कुछ तुम्हारे साथ आज तक हुआ ये सब हमारे एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा था, जिस पर लिंडा को शॉक लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ती है तो वो लाल बालों वाली औरत उसे शॉक लगाकर बेहोश कर देती है और हमें समझ आता है कि ये औरत लिंडा को आज तक एक ह्यूमन वेपन की तरह ही इस्तेमाल कर रही थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो एंडी उसी कार को देखने आती है जो उसे लिंडा देकर गई थी और उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।